हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग टेंस का सीरीज़ शुरू किए हैं। टेंस और वॉइस दोनों एक साथ चल रहे हैं। वॉइस का सीरीज़ कहो या टेंस का सीरीज़ कहो या फिर दोनों का सीरीज़ कहो, दोस्तों एक साथ दोनों सीरीज़ चल रहे हैं। टेंस की भी जानकारी आपको मिल जा रही है और वॉइस की भी पूरी जानकारी मिल जा रही है दोस्तों। उसको टेंस को किसी भी टेंस का वॉइस में कैसे बदलेंगे दोस्तों, और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और ज्ञान सेतु जो झारखंड की योजना है या अन्य राज्य में ज्ञान सेतु चल रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है और इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, और फिर हम लोग चेंज करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है दोस्तों। इसी एक्टिव फॉर्म का ये पैसिव फॉर्म है। अब सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, और सिर्फ आपको पुट कर देना होगा फॉर्म्स पे, तो टेंस की भी जानकारी आपको मिल जा रही है और पैसिव की भी जानकारी मिल जा रही है दोस्तों। यानी एक्टिव फॉर्म जो होते हैं वो टेंस की जानकारी, वो टेंस पे रहते हैं दोस्तों। और फिर उसका पैसिव फॉर्म क्या होता है उसका भी स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, आपको स्ट्रक्चर पे पुट कर देना दोस्तों। वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों, कहीं पॉज नहीं करें दोस्तों, बिल्कुल। जी हाँ, यू आर ईटिंग मैंगोज। जी हाँ दोस्तों, इसका पैसिव फॉर्म मैं बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्टिव फॉर्म का सब्जेक्ट पैसिव फॉर्म के ऑब्जेक्ट होते हैं और एक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्ट पैसिव फॉर्म के सब्जेक्ट होते हैं। एक्टिव फॉर्म में भाव किसी भी फॉर्म क्यों ना हो दोस्तों, हमेशा पैसिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म में होते हैं भाव दोस्तों। तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का पहचान करेंगे। आपको बताया कि एक्टिव फॉर्म का जो सब्जेक्ट होता है, सॉरी पैसिव फॉर्म का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्ट से लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंगोज है, ये प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वाज नहीं वर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए भाव थ्री, यहाँ देखिए दोस्तों ये भाव फोर है, इसको थर्ड में चेंज कर देना तो ईट का हो जाएगा, ईटन। फिर बाय का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के लिए इसका सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए सब्जेक्ट यू, और यू का यू ही रहता है दोस्तों। जी देखो कितना आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, सिर्फ स्ट्रक्चर पे पुट कर देना है पैसिव फॉर्म के, अपने आप पैसिव फॉर्म बन जाएगा दोस्तों। किसी भी एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होने जा रही है, बस वीडियो को देखते रहो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। नंबर टू, इसका देखिए क्या हो सकता है इसमें, ये यस नो क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होते हैं, यस नो क्वेश्चन। देखिए इसमें वाज, इसका पैसिव देखेंगे दोस्तों। जी हाँ, आपको स्ट्रक्चर पे सिर्फ बैठा देना दोस्तों, सेंटेंस अपने आप बन जाएगा पैसिव का। देखिए दोस्तों इसी सेंटेंस को यहाँ बना देते हैं दोस्तों।
हु आर यू ईटिंग मैंगोज। जी हाँ दोस्तों, अब ये पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है, इस पर सिर्फ बैठा दें दोस्तों, पैसिव फॉर्म या पैसिव सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट खोजे पहले, सब्जेक्ट यानी इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे मैंगोज। ये चूंकि प्लुरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब 3, देखिए यहाँ पे वर्ब 4 है, इसको वर्ब 3 में कन्वर्ट करना है दोस्तों। ईट का ईटन होगा, फिर बाय का प्रयोग करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट यानी पैसिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट को हमको देखना पड़ेगा दोस्तों। एक्टिव का सब्जेक्ट ये है। जी हाँ, अब यू का दोस्तों, यू होता है, इसको लिख दें ये सब्जेक्टिव फॉर्म, ये ऑब्जेक्टिव, यू का यू होता है बाय। जी दोस्तों देखिए, टेंस के साथ साथ पैसिव की भी जानकारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप WH वर्ड लगे हुए सेंटेंस को देखते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, उसका पैसिव फॉर्म और एक्टिव फॉर्म क्या होता है, एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए किस फॉर्म का हम लोग प्रयोग करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक्टिव फॉर्म पैसिव फॉर्म, यही सेंटेंस को लिखता हूं दोस्तों, यहां इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे, बिल्कुल आसान है दोस्तों। इसके आगे WH लग जाएगा, कुछ भी WH आप लगा सकते हैं। When were you eating mangoes? सबसे पहले WH वर्ड को लिख देंगे, WH वर्ड ये है दोस्तों। अब देखें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिख देंगे ऑब्जेक्ट मैंगोज, क्योंकि ये प्लुरल है इसके साथ वर्ड का प्रयोग होगा। यहाँ तो ये भी फोर में है, भाव का चौथा रूप में दोस्तों, इसको भाव थर्ड में चेंज कर दिए, फिर बाय को प्रयोग करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट देंगे, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आपका यू है, तो यू का दोस्तों यू होता है। जी दोस्तों बिल्कुल आसान, देखते रहे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इसका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव फॉर्म देखेंगे दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर उसका पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, इसके हम लोग ध्यान दें।
बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब थ्री करेंगे, और फिर बाय लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ऊपर की जो सेंटेंस है उसी को हम लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे और पैसिव फॉर्म में बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, पैसिव फॉर्म का, पैसिव फॉर्म का सब्जेक्ट मतलब एक्टिव फॉर्म के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे दोस्तों। तो मैंगोस, मैंगोस प्लुरल सब्जेक्ट है इसलिए वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे उसमें। फिर बीइंग का प्रयोग, सॉरी नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब थ्री। देखें दोस्तों ये भाव को है, इसको थर्ड में चेंज कर दें, ईटन, फिर बाय का प्रयोग करें, और फिर ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट यानी यू, और यू का दोस्तों यू होता है। जी देखें दोस्तों, जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों, या वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ये दोस्तों ये स्ट्रक्चर है एक्टिव फॉर्म का और पैसिव फॉर्म का। ये दोस्तों ये टेंस का स्ट्रक्चर हो जा रहा है, ये फिर इसका पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर। तो एक वीडियो में टेंस की पूरी जानकारी, टोटल जानकारी दोस्तों, टेंस की पूरी जानकारी और फिर उस टेंस के पैसिव फॉर्म क्या होते हैं उसकी पूरी जानकारी मिल जा रही है दोस्तों। ये काफ़ी रोचक वीडियो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। Was he not reading a book? सबसे पहले वाज और वर्ब से दोस्तों सब्जेक्ट का पहचान कर लेंगे, उसके अनुसार वाज और वर्ब का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट मतलब इसका ऑब्जेक्ट यानी अ बुक, चूंकि अ बुक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। नॉट का, बीइंग, भर्ब थ्री। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ब फोर है, इसका रीडिंग का रीडिंग होता है, फिर बाय का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब देखें इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट के लिए इसके सब्जेक्ट के पास जाना होगा ये, और ही का होता है दोस्तों हिम। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे दोस्तों, इसमें डब्ल्यू एच लगे रहते हैं।
WH वर्ड देंगे, वाज वर सब्जेक्ट नॉट बेइंग विथली बाय और ऑब्जेक्ट सेंटेंस को लेते हैं दोस्तों, इसी सेंटेंस को बना देते हैं इस फॉर्मेट पे। When was he not reading a book? जी हाँ दोस्तों, इसका पैसिव फॉर्म हम लोग बनाएंगे दोस्तों। देखें डब्ल्यू एच वर्ड को पहले रख देंगे, when, फिर सब्जेक्ट का सिलेक्ट, सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसका सब्जेक्ट यानी इसका ऑब्जेक्ट अ बुक चूंकि एक पुस्तक है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वाच का प्रयोग करेंगे। रीडिंग का ये बिफोर है ये ऑब्जेक्ट रीड होगा, फिर बाय का प्रयोग करेंगे दोस्तों बाय, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी इसका ऑब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट का जाना होगा ही, तो ही का होता है हिम। जी दोस्तों, आज हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर चर्चा किया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको जो उसके जो फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस पर सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, फिर हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव फॉर्म के स्ट्रक्चर्स को जाने और पैसिव फॉर्म के स्ट्रक्चर पे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं दोस्तों, इस पर हम लोगों ने चर्चा की है, इसके हम इसको हम लोगों ने जाना। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं दोस्तों वॉइस के भी, अब वॉइस के साथ आप टेंस एक ही वीडियो में मिल जा रहे हैं दोस्तों, तो सारे वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। जय हिंद।